राजू इसमें देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आंख दिखाई दे रहा है, मुंह दिखाई दे, बोलो। हाँ, आंखें, आंखें दिखना दिखना बंद हो, आंखें दिखना बंद हो, मौकिल मौकिल हाजिर हो, हाजिर हो। देखो अब आपकी आंखें बंद होंगी, आपको क्या दिखलाई देता है मुझे बतलाना। दो दिन चार एक पांच फिर लीजिए। कई लोग क्या करते हैं ना, किसी का बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या करवा देते हैं और मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति तंत्र का दुरुपयोग करता है या किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई क्रिया या तंत्र क्रिया करवाता है तो वह व्यक्ति स्वयं भी भोगी होता है उसका। पिछले जन्म से कई कर्म लेके आते हैं जो कि इस जन्म में काटते हैं, और वो कर्म मतलब कई बार कठिनाई बहुत होती है उन कर्मों को काटने में, बहुत भोगने में। तो क्या तंत्र विद्या से वो जो बुरे कर्म है वो कम किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। जिस प्रकार का आपका पाप दोष पूर्व जन्म का रहा है उसको काटने के लिए तीव्र जो कर्म है। पर मैंने तो कई लोगों से सुना कि भाई गया श्राद्ध करके आए हैं फिर भी मतलब कोई शांति नहीं मिली, क्या कारण है? उसका कारण क्या है कि ब्राह्मण आज के वंश में जो है लालच के वशीभूत हो गया। नमस्कार। आप जब भी तांत्रिक या तांत्रिक विद्या के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? काला जादू, जादू टोना, शराब, नशा, वशीकरण, ये सब चीज़ें तंत्र विद्या से नहीं जुड़ी हुई हैं। इसको इस चीज़ों से मानना इसका बिल्कुल विद्या का निरादर करना है। तंत्र विद्या एक गहन ज्ञान है जो कि शक्तिशाली सरल समाधान देता है। जीवन में जब बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं तो इसको जीने के लिए, सर्वोच्च जीने के लिए, जीवन अच्छा बिताने के लिए आप तंत्र विद्या का सहारा ले सकते हैं। ये विद्या शरीर, मन और आत्मा सबको प्रबल करके आपको आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ले जाती है। महायोगी आदि गुरु भगवान शिव ने तंत्र और योग की शिक्षा किसको दी थी? पार्वती को दी थी, जभी तो वो आदिशक्ति बने थे, तभी उन्होंने सृष्टि और शक्तियों का उन दोनों में समावेश हुआ। अथर्ववेद में भी तंत्र विद्या का जिक्र है। आज हमारे बीच में एक वैदिक पंडित जी हैं और तंत्र मर्मज्ञ हैं जो कि आपको इस विद्या तंत्र विद्या के बारे में बताएंगे। उनका नाम श्री चेतन शर्मा जी हैं। वेलकम चेतन जी शर्मा। नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे शो में और आपसे बहुत चीज़ें हम तंत्र विद्या के बारे में जानना चाहेंगे। पहले तो आपको तांत्रिक क्यों बोला जाता है और आपकी ये तंत्र विद्या में रुचि कैसे हुई? नमस्कार, सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम मालूम हो। मेरा जो परंपरागत कार्य था वो शुरू से ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण शुरू से पैतृक कार्य के रूप में हमारे यहाँ तंत्र पूजा पाठ कर्मकांड विषय का अनुसरण करते रहे हैं, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी के रूप के अंदर मुझे भी ये विरासत में प्राप्त हुई है। ओके। आपको तांत्रिक क्यों कहा जाता है? तंत्र का कार्य करने के कारण हम लोगों को तांत्रिक बोला जाता है। तंत्र जो है उसका कार्य हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से करते आ रहे हैं, इसलिए तांत्रिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आजकल है ना, लोग बहुत डरते हैं तांत्रिक से, जैसे ही नाम लेते हैं कि तांत्रिक आ रहा है तो डर जाते हैं, अरे हमारे पे कुछ कर नहीं दे, तो क्या कुछ ऐसा होता है? तंत्र के कुछ जो जानकार व्यक्ति थे, जो मर्मज्ञ थे, जो उस विद्या को जानते थे, उन्होंने इसका दुरुपयोग किया, इसी वजह से इस विद्या का जो नाम कलंकित हो गया। उसी कारण, कलंकित दाग के कारण इस विद्या का प्रभाव जो था वो लोगों के मन के अंदर भय के रूप में प्रतीत होने लगा। ओके ओके। जैसे धरती में हम लोग जन्म लेते हैं कर्म काटने के लिए और एस्ट्रोलॉजिकली तो ग्रह लेके पैदा होते हैं, तो क्या अगर कोई कर्म बुरे कर्म लेके आए हैं तो वो तंत्र विद्या से काट सकते हैं, उनको अच्छे कर सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति को सात्विक रूप से तंत्र जो है वो एक पूजा विधि का ही नाम है। जैसे हम लोग कर्मकांड पूजा पाठ भगवान की जो पूजा वगैरह इत्यादि करते हैं, वह सब तांत्रिक जो कार्य है उनको सात्विक तंत्र बोला जाता है। जो धन संपत्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं या किसी कामना को रख करके जो कार्य किए जाते हैं वो जो सारी तंत्र विद्याएं हैं, जो विद्याएं हैं वो सारी की सारी राशि तंत्र के अंतर्गत आती है। अच्छा। जो काली पूजा, भैरव पूजा, शमशान, भूत प्रेत,
कुष्मांड बलि इत्यादि जो लगती है वो सारी तांत्रिक विद्या जो है वो तामसिक तंत्र के अधीन आती है। अच्छा। तामसिक तंत्र के कई प्रकार के प्रारूप है, अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के, जिसमें अघोर विद्या, कपालिक विद्या, भैरवी विद्या, श्री चक्र साधना आदि, शमशान साधना, वीर बटुक साधना इत्यादि जो क्रम है वो अन्य अन्य रूप के अंदर तंत्र के अंदर प्रसारित है। आपने ये भी बोला ना कि ये तंत्र विद्या वासना के लिए नहीं उपयोग की जा सकती है, नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ये आध्यात्मिक रूप से ही अच्छी रहती है। तंत्र का जो विशेषता प्रयोग बताया गया था शास्त्रों के अंदर ऋषि महर्षियों के द्वारा वो उपासना के संबंध में था और लोगों के जन कल्याण के संबंध में था। लोगों ने आज उसका ऐसा प्रारूप कर दिया कि आज लोग बाग उससे भयभीत रहते हैं। दूसरा जो है लोग बाग उपासना की ओर न जा करके इस विद्या से वासना का सहारा लेने लग गए हैं। बिल्कुल। एक एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बताया जाता है फ्री विल, इच्छा दृढ़ शक्ति, इच्छा दृढ़ शक्ति से कुछ भी काम करें तो अपन पा सकते हैं, तो क्या तंत्र विद्या से और बेनिफिट मिल सकता है इस चीजों को? बिल्कुल, तंत्र विद्या भी जो है दृढ़ इच्छा शक्ति के ऊपर ही निर्भर करती है। अच्छा। और उससे जो है दृढ़ संकल्पित व्यक्ति जो होता है वो ही ये सब कार्य कर सकता है। अच्छा। अन्य अन्य जो कार्य है वो दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं हो पाते जीवन में। कई लोग क्या करते हैं ना, किसी का बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या करवा देते हैं और मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं, तो क्या उसका अफेक्ट उन पे भी पड़ेगा? अगर जो गलत किसी के लिए करा रहे हैं तो उनका अफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सत्य है। यदि कोई व्यक्ति तंत्र का दुरुपयोग करता है या किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई क्रिया या तांत्रिक क्रिया करवाता है तो वह व्यक्ति स्वयं भी भोगी होता है उसका। अच्छा। और जो करवाने वाला है वो भी भोगी होता है। अच्छा। धन, समय, सीमा, तीनों चीजें उसमें खराब नष्ट कर दी जाती है। जैसे वशीकरण है, किसी से किसी को लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाता है, उसको नहीं है और उसको वश में करना है, अगर उसके लिए तंत्र विद्या कराए तो क्या सही है? वो तंत्र विद्या का जो नाम खराब हुआ वो वशीकरण के संबंध में ही खराब हुआ है। okay. विशेष तौर पे भगवान शुक्राचार्य जो थे, जो राक्षसों के गुरु थे, उन्होंने रावण को ये विद्या प्रदान करी। okay. रावण को इंद्र की सभा के अंदर अप्सरा जो थी रंभा वो पसंद आ गई। अच्छा। उन्होंने उसको निमंत्रण भेजा कि आप हमारे आओ नृत्य गाने के लिए। रंभा नहीं आई, इंद्र की परी थी वो, इसलिए वो नहीं आ सकती थी वहां पे। तो रावण ने सर्वप्रथम वशीकरण के वशीभूत ही तंत्र का प्रयोग किया वासना के संबंध में, इसी कारण उसका नाम तंत्र जो है वो विकृतियों में आ गया। अच्छा। ये उसका प्रारूप रहा। पर अगर किसी के लिए अच्छा करवाएं, किसी के लिए अच्छा कराएं तो उसका प्रभाव भी क्या खुद पे अच्छा पड़ेगा? बिल्कुल अच्छा पड़ेगा। आप जीवन में यदि किसी के लिए अच्छा चाहते हैं तो जीवन आपको प्रकृति जो है वैसा ही स्वरूप देती है, वैसा ही फल देती है। बिल्कुल। और आपके जीवन में वैसा ही अच्छे कार्य होंगे। पिछले जन्म से कई कर्म लेके आते हैं जो कि इस जन्म में काटते हैं, और वो कर्म मतलब कई बार कठिनाई बहुत होती है उन कर्मों को काटने में, बहुत भोगने में, तो क्या तंत्र विद्या से वो जो बुरे कर्म है वो कम किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। जिस प्रकार का आपका पाप दोष पूर्व जन्म का रहा है उसको काटने के लिए तीव्र जो कर्म है वो करने चाहिए, जिससे पाप जो है जल्दी कट जाए और पुण्य का तत्काल प्रभाव से उदय हो। ओके ओके। पर आप ये भी बोलो कि अगर मतलब अच्छे कर्म भी तो अगर बुरे कटवा रहे हैं तो अच्छे कर्म तो रहेंगे ही ना, वो तो नहीं कटेंगे, वो कभी नहीं कटेंगे, उनका प्रभाव और फल जो है बढ़ता ही है, कम नहीं होता। अच्छा। व्यक्ति किसी का भला करता है तो भला ही होता है। अब ये पितृदोष की बात करते हैं। सब लोग दुनिया में सब लोग पितृदोष से पैदा होते हैं और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इस जन्म में भोग रहा होता है, या तो किसी के घर कुषित बच्चा हो जाता है, या शादी देरी से होती है, या शादी अगर हो जाती है तो बच्चे नहीं होते हैं, घर में कलेश होता है, घर में जैसे कोई होता है कि मटेरियलिस्टिक ग्रोथ नहीं होती, पैसा का ज़्यादा उपार्जन नहीं होता है, मतलब कट कट के जी रहे होते हैं, तो क्या ये सब पितृदोष का है? और ये पितृदोष क्या इस जीवन में तंत्र विद्या से कट सकते हैं? देखिए, पितृदोष जो है उसकी व्यक्तिगत जो संभावनाएं है वो जरूरी नहीं है जीवन में पितृदोष ही हो। अन्य कई प्रकार के भी तंत्र दोष होते हैं जो उनको न जान करके कुछ व्यक्ति जो इस कार्य को करते हैं वो अन्य चीजों की जानकारियां कम उपलब्ध है, इस वजह से वो पितृदोष का ही नाम ले देते हैं। अच्छा अच्छा। उसका कारण क्या है? जैसे गरुड़ पुराण के अनुसार मान्यता है, अन्य अन्य शास्त्रों के अनुसार मान्यता है, प्रेत कल्प जो विधान है, प्रेत कल्प विधान मृत्यु के बाद में जैसे गरुड़ पुराण में आया है वर्णन, उसके अनुसार 24 प्रकार की आत्माएं मृत्यु के बाद में बनती हैं। ओके।
जो शुद्र आत्मा से लेकर के वैताल तक की आत्माएं उसमें सिद्ध होती हैं, उनमें एक योनी है जिसको बोलते हैं पितृ योनी, जो प्रेत क्रियाओं के संबंध में आती है। प्रेत जो है उसके अंदर जो पितृ योनी है वो व्यक्ति के जीवन में जो है अपने आने वाले जो वंशानुगत पीढ़ियां हैं, जो परिवार के आगे बचे हुए जो सदस्य हैं, उन सबको साथ देती है, इसलिए उसको पितृ बोला जाता है। उसमें देवत्व का कारण होता है, देवत्व होने के कारण ही उसको पितृ की संज्ञा दी गई है। ओके। जो अपने बच्चों को, बेटों को, पोतों को, इनको जो है तृप्ति कारक रहता है। उसमें भी दो प्रकार के पितृ होते हैं, विभाग यदि अपन करें, एक तो होता है पितृ, एक होता है उत्पितृ। जो पितृ होता है वो तो अपने आने वाली पीढ़ियों को साथ देता है और मतलब वंश आगे बढ़ता है, वंश को आगे बढ़ाता है, सभी प्रकार की समस्याओं का, ग्रह क्लेश का इनका निवारण करता है, उनको सहायता देता है, मार्ग प्रशस्त करता है। और जो उत्तर पितृ होते हैं वो प्रेत संख्या में ही आते हैं। अच्छा। वो अपने आने वाली पीढ़ियों को, भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, उनको खराब राह पे ले जाते हैं, उनका धन भी नष्ट कर देते हैं, शरीर भी नष्ट कर देते हैं, मन विचलित कर देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो कायिक कष्ट है वो उनको प्रदान करते रहते हैं। तो क्या ये मतलब ये दोनों पितृ दोष ठीक किए जा सकते हैं? मतलब एक तो अच्छा ही पितृ दोष है कि भाई बढ़ रहा है परिवार, और एक है कि वो मतलब खराब पितृ दोष। हाँ, तो खराब पितृ दोष को ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए शास्त्र में अन्य विधान दिए गए हैं। गज छाया श्राद्ध एक नाम कर करके जो श्राद्ध पद्धति के अंदर है, भरणी श्राद्ध है, गया श्राद्ध है, और एक विशेष जो अतृप्त आत्माओं के लिए किया जाता है उसको त्रिपिंडी श्राद्ध विधि बोलते हैं। अच्छा। त्रिपिंडी श्राद्ध जो है वो अतृप्त आत्माओं की शांति के लिए किया जाता है। पर मैंने तो कई लोगों से सुना कि भाई गया श्राद्ध करके आए हैं फिर भी मतलब कोई शांति नहीं मिली, क्या कारण है? उसका कारण क्या है कि ब्राह्मण आज के वंश में जो है लालच के वशीभूत हो गया। जो भी क्रिया करवाने वाला होता है या करने वाला होता है दोनों ही धन के लोभ में रहते हैं। काम करवाने वाला जो व्यक्ति होता है वो चाहता है कि कम समय के अंदर कम धन खर्च में मैं कार्य पूरा कर दूं। उसके दोनों के लालच के चक्कर में दोनों ही खराब हो जाते हैं। तो फिर ये कैसे मतलब कैसे ये पितृ दोष को मतलब पूर्ण रूप से अच्छी तरह से मतलब किसका सहारा लें फिर ठीक करने के लिए? अच्छे योग्य पंडितों का सहारा लेकर के शास्त्र के निर्देश के अनुसार जो कार्य है उसी को करें। अन्य अन्य जो मन के अंदर विचार भाव के द्वारा जो शास्त्री या कोई भी पंडित या आचार्य कार्य करवाते हैं वो व्यक्तिगत विचारों के आधार पर न चले, शास्त्र सम्मत जो विचार है, शास्त्र की अवधारणा है, उसके अनुरूप ही कार्य करें तो उससे कार्य सफलता होती है। आपके बहुत यजमान होंगे तो क्या आपने उनको मतलब ये विद्या से आपने उनको ठीक किया, पितृ दोष ठीक किया या कुछ ठीक किया? आप कोई मतलब कोई एग्जांपल बता सकते हैं? यथासंभव मैं प्रयास यही करता हूँ। और विशेषतः हमारे यहाँ तंत्र का जो कार्य है वही होता है और उसी को करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे यजमान है, एक व्यक्ति का तो मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि नाम लेना उसके लिए थोड़ा दूभर होगा, इसलिए बहुत सारे व्यक्ति हैं, बल्कि मेरे क्षेत्र में बहुत व्यक्ति मुझे जानते हैं इस क्षेत्र के मामले के अंदर। ओके ओके। पर मतलब उनका पूरा निवारण हुआ है? जी बिल्कुल। और मतलब कुछ सन्यासी वगैरह जो है वो भी मेरे पास में आते हैं। जो अपने यजमान, अपने जो उनके सेवक रहते हैं उनका कार्य करवाने के लिए, साधु संत भी मेरे को निर्देशित करते रहते हैं, तो उनके यहाँ पे भी कार्य करवाता रहता हूँ। बिल्कुल। आपने तो बहुत ज्यादा लोगों का मतलब कल्याण किया होगा, तो कुछ ऐसे एक दो मतलब एग्जाम्पल बताइए कि जिससे कि घर में पहले कैसे थे और आपने विद्या करी, तंत्र विद्या जो भी करी मतलब, और उनका बहुत अच्छा हो गया। मतलब ऐसे आप यजमान के भली नाम मत लीजिएगा पर आप ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हैं। मैं एक उदाहरण के बोलता हूँ, आपको एक वाक्य बताना चाहता हूँ। मेरे यहाँ एक राजपूत समाज से बच्ची आई थी अभी कुछ समय पूर्व, तो उसकी माताजी और पिताजी का दोनों का देहांत हो चुका था। अच्छा। उनकी माताजी जो थी वो मृत्यु के पश्चात प्रेत श्रेणी में चली गई थी। अच्छा। प्रेत श्रेणी में एक श्रेणी आती है जिसको बोलते हैं जिन्द। जिन। जिन्नात जो श्रेणी थी उसमें वो चली गई थी। अच्छा। और उनके पिता भी चले गए थे। उन दोनों की मृत्यु का कारण भी तंत्र ही था। अच्छा। किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर गलत प्रयोग करवा दिया था, इस वजह से दोनों माता पिता की उनकी मृत्यु हो गई थी। वो माता जो थी अपनी बच्ची को दिखती थी। अच्छा। पर वो उसको मुदित अवस्था में नहीं, रोती हुई या कभी मतलब बिलखती हुई इस अवस्था में दिखती थी। बच्ची जो थी वो भी तंत्र से पीड़ित हो चुकी थी। ओके। और जो जिन्नात जो था जिसके कारण उसके माता पिता की मृत्यु हुई, वो जिन्नात उससे आकर के सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाने लग गया था। अच्छा। प्रत्यक्ष था ये चीज। अच्छा। और वो बच्ची जो थी बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में रहने लग गई थी।
उसका मैंने फिर बाद में इलाज वगैरह कुछ किया जो हमारे यहाँ विद्याएं होती है उसके द्वारा, आज वो व्यक्ति वो बच्ची और उसका परिवार सुखद है, स्वस्थ है, अभी उसकी नवंबर के अंदर शादी भी है। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई और ऐसा एग्जाम्पल कि मतलब घर में किसी के क्या? एक हमारे यहाँ आर्मी में एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी थी जो जम्मू कश्मीर में कहीं रहते थे, वहाँ किसी कब्रिस्तान के ऊपर उन्होंने टॉयलेट वगैरह कुछ कर दिया। अच्छा, तो वो जो कब्रिस्तान का जो शहीद वगैरह कोई जिंद था, जो प्रेत आत्मा थी, उस व्यक्ति के पीछे लग गया। अच्छा, उस व्यक्ति के लगने के बाद में जो व्यक्ति घर पे आया तो उनकी पत्नी के अंदर वो ट्रांसफर हो गया मामला। उनकी पत्नी जो थी बैठ करके कभी कभी भोजन करती थी, 40 रोटी और करीबन 2 किलो सब्जी। अच्छा, प्रतिदिन एक समय भोजन के अंदर खा जाती थी। तो उसका भी मैंने जो है इलाज किया था। अच्छा, तंत्र के द्वारा, शास्त्र विधि के द्वारा, उससे आज वो भी स्वस्थ है एकदम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। हाँ, पर ये तो जैसे किसी दूसरे की आत्मा जैसे आ गई तो वो है, पर नॉर्मली तो घर में यही होता है ना कि भाई इतना मेहनत कर रहे हैं पर पैसा नहीं आ रहा है, या फिर मतलब किसी की शादी नहीं हो रही है, लड़कियों की आजकल शादियां देरी से हो रही हैं, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, तो ये भी मतलब एक छोटा मोटा जैसे होता है उदाहरण के तौर पे, मतलब ठीक किया है आपने। हाँ, इसी प्रकार के ये सब जो उपाय हैं ज्योतिष के अंतर्गत आते हैं। हाँ। ग्रह स्थिति बिगड़ने से पूर्व कर्म के अनुसार विवाह में विलम्ब होना, संतान में विलम्ब होना, धन का आगमन रुक जाना, ये ज्योतिष संबंधित कार्य है। उसमें ज्योतिष में भी जो है दो प्रकार के ज्योतिष है। ज्योतिष में ग्रह गणित के द्वारा हम लोग ये तो जान लेते हैं कि क्या किस ग्रह का प्रभाव है। अच्छा, कुछ समय ऐसा होता है कि जब उनकी जन्मपत्री या किसी भी प्रकार से आप ज्योतिष की सहायता लेकर के चेकआउट करते हैं। हाँ। तो उस समय आप जजमेंट में लगा पाते हैं कि भाई स्थितियां तो सारी ग्रह की सही है। हाँ। उसके बावजूद भी व्यक्ति की कंडीशन खराब होती जा रही है। हाँ। उस स्थिति में फिर तंत्र का सहारा लेना पड़ता है। हाँ। और तंत्र के द्वारा ही उनका इलाज करना पड़ता है, तंत्र के द्वारा ही कार्य संपादित करने पड़ते हैं, तब जाके कुछ आराम मिल पाता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि मतलब लोग आपके पास आराम से बिना डर के आते हैं और अपना इलाज करा के जाते हैं और खुश हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को पूरे गांव के गांव जानते हैं। और हमारे यहाँ लोकल भाषा में ब्राह्मण को दादा बोलते हैं, तो दादा संबंध से संबोधित करते हैं मुझे। अच्छा, और खूब मैं घर में जाता हूँ, आराम से रहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा अच्छा, क्या आपको कोई ऐसा है कि कोई आपको सेलिब्रिटी या कोई अच्छी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी आपको बुलाती है अपने घर? हाँ, बुलाते हैं, पर उनका मैं नाम नहीं ले सकता कैमरे के सामने। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके यहाँ मैं जाता हूँ। अच्छा अच्छा, एमएलए एमपी बहुत सारे हैं। हाँ, तो वहाँ पर तंत्र विद्या करते हैं। जी जी बिल्कुल, वो जी। लोग भी सहारा लेते हैं, मतलब ऐसे भी होता है कि ऐसे भी करते होंगे कि भाई इलेक्शन नहीं जीत रहे, इलेक्शन जीत जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तंत्र विद्या कर दो। अच्छा बिल्कुल, अब आगे का कार्यक्रम हम लाइव करेंगे, तो एक बच्चे को बुलाते हैं और आप कुछ बताइए कि आप क्या प्रयोग कर सकते हैं ऐसे। जी, एक छोटा सा उदाहरण के बतौर मैं आपको कार्य दिखलाता हूँ, उसको समझने का प्रयास करें। मैं दर्शक गणों की सहायता के लिए हाजरत का जो प्रयोग है उसको प्रत्यक्ष करके दिखला रहा हूँ। एक बच्चा है अबोध बालक जिसका नाम है राजीव, इसके द्वारा ये प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ, परमात्मा मेरी सफलता की ओर मुझे लेके जाए। राजू इसमें देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसी में देखते हो, नीचे देखते हुए बोलो। आंख दिखाई दे रहा है, मुंह दिखाई दे, बोलो। हाँ, आंखें आंखें दिखना दिखना बंद हो, आंखें दिखना बंद हो, मौकिल मौकिम हाजिर हो, हाजिर हूँ। देखो अब आपकी आंखें बंद होंगी, आपको क्या दिखलाई देता है मुझे बतलाना। आंखें दिख रही है? हाँ। परछाई बदल रही है, कुछ नई चीज दिखलाई दिख रही है? हाँ। क्या दिख रहा है? क्या काले? देखो समझने की कोशिश करो क्या दिखाई दे रहा है। चश्मा दिखाई दे रहा है। चश्मा? देखो आराम से ध्यान लगा के देखने की कोशिश करो, चेहरा दिखना बंद होगा, उसके बाद में क्या दिखाई देता है? पित्तल का हाथी दिखाई दे रहा है। पित्तल हाथी दिखाई दे रहा है, कौन है? पीतल का हाथी। हाँ। बोलो मुक्किल। मुक्किल। आप दिखना? आँख दिखना बंद हो, आँख दिखना बंद। मुक्किल। मुक्किल। आप दिखना? आप दिखना बंद हो, बंद हो। तथा? कथा। हाजरात? हाजरात से हाजर, हाजिर हाजिर करें, हाजिर करें।
देखो क्या दिखलाई दे रहा है? पित्तल का नाग है? पित्तल का नाग, नाग अब क्या दिखलाई दे रहा है? मंदिर, मंदिर बोलो। हाजरात, हाजरात हाजिर करो, हाजिर करो। चारों मोकिल, चारों मोकिल हाजिर होकर, हाजिर होकर दर्शन देवे। अब देख, दर्शन देवे। आसमान में काला, काला क्या है देखो? गोल सा काला है, काला आसमान में बहुत काला दिखाई दे रहा है। हाजरात, हाजरात हाजिर करो, हाजिर करो। चारों मोकिल, चारों मोकिल हाजिर हुए, हाजिर हूँ मैं। अब देख बेटा आराम से क्या दिखाई दे रहा है। शास्त्री जी आप ये रमन विद्या के बारे में कुछ बताइए, मैं उनसे अपनी जानकारी कुछ लेना चाहती हूँ। देखो भारतीय वर्ष परंपरा के अंदर ज्योतिष शास्त्र जो है उसकी एक विधा है जिसको रमल बोला जाता है। रमल जो थी मुगल शासन काल के दरमियान अरबी भाषा के अंदर उर्दू भाषा में ट्रांसलेट कर दी गई थी, तो वो मूल रूप से एक भारतीय विद्या ही है। ट्रांसलेट होने के कारण उसको कुछ लोग अरबी भाषा के अंदर होने के कारण अरबी विद्या भी बोलते हैं, बल्कि ये कहना गलत होगा। मूल जो ज्योतिष का जन्म और प्रादुर्भाव है वो भारतीय जन्म भूमि ही हुआ है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। रमल विद्या जो है वो कोड़ियाँ जो होती हैं जो समुद्र में पाई जाती है उससे निकलती है एक, तो दूसरा एक पासे बनाए जाते हैं, पासे से बनती है। बल्कि बढ़िया गणित जो निकलती है, जो इसको बढ़िया मतलब जो सुपरफाइन गणित मानी जाती है, वो कोड़ी के द्वारा निकलती है। कोड़ी में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, इस वजह से जो शास्त्र के जानकार व्यक्ति वो पासों का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए 11 कोड़ियाँ हैं जो है मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ, और आप इनको पढ़ करके मैं अभी डलवाऊंगा। तीन, छह, दो, आठ, फिर लीजिए आप आदमी। दो दून चार, एक पांच, फिर लीजिए। तीन, एक, चार, चार, एक, पांच। इस प्रकार हमारे भारतीय ज्योतिष के अंदर 16 बार कोड़ी जो उनको डाला जाता है, फिर उससे अंग गणित के द्वारा शक्लों का निर्माण किया जाता है, और उसी से पूरा नया पंचांग बना करके जातक जो पूछने वाला होता है उसका भविष्य फल, वर्तमान स्थिति, भूतकाल तीनों के बारे में अवगत कराया जाता है। मैंने ये 16 बार कोड़ियाँ तो आपके कहने पे मैंने कर दी, अब मेरे प्रश्नों के उत्तर कुछ दीजिए। आपको मैं उत्तर देता हूँ, आप मुझे 1 से लेके 108 के बीच में कोई भी एक संख्या बोलिए। 15। किसी फल का नाम बताइए। केला। किसी मिठाई का नाम बताइए। रसमलाई। कोई भी देवी देवता किसी का भी नाम बताइए। गणेश जी। किसी भी पेड़ का नाम बताइए। आम का पेड़। आपका जैसे मैंने प्रश्न लगाया, भारतीय ज्योतिष विद्या में रमल शास्त्र जो है उसमें एक प्रश्न विधा होती है, उसको बोलते हैं मूक प्रश्न। अच्छा। पूछने वाला व्यक्ति मौन होकर के बैठ जाता है, वो व्यक्ति किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछता, सिर्फ आके कहता है कि मैं अपने संबंध में आप अपने किसी बारे में पूछना चाहता हूँ, उसकी मानसिक स्थिति में क्या प्रश्न चल रहा है वो भी बताने वाले शास्त्रीय पंडित को ही बताना पड़ता है। ओके, ओके। तो इस भारतीय परंपरा ज्योतिष के अंदर मैंने जो आपका प्रश्न लगाया उसमें आपके 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हाँ जी। पहला प्रश्न आपका बनता है संतान के लिए, संतान में किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार के क्या विचार है, आगे संतान में किस प्रकार क्या रहेगा, मेरे सुखद घर के भविष्य के लिए, हाँ जी आप यही पूछना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न आपके बारे में बनता है खुद के लिए, कि मैं आगे मेरे किस प्रकार से कार्य व्यापार होगा, हाँ जी, क्या मैं ऊंचाइयां प्राप्त शोहरत में जो मिल पाएगी, हाँ जी। चौथा जो प्रश्न होता है वो काम धंधे की बढ़ोतरी के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, हाँ जी। आपका एक मूक जो प्रश्न है उसके अंदर एक दोष निकल के आता है, जिस दोष को बोलते हैं कुल देवता का दोष। अच्छा। दूसरा दोष निकल के आता है पितृदोष। अच्छा। पितृदोष की जो श्रेणी है उसके अंदर एक वो दोष और होता है जिसको उत पितृदोष बोलते हैं। आपके यहाँ किसी प्रकार की कोई अतृप्त आत्मा जो है वो आपके कुल और परिवार में है। अच्छा। वो आपको किसी बात से परेशान करती है।
अच्छा। और आपके कुल देवता जो है वो भी अप्रसन्न है। अच्छा। या तो आपने किसी प्रकार का कोई प्रसाद बोला होगा या किसी प्रकार की कोई मान्यता या जात कुछ आपने बोली होगी दोख वगैरह देने के लिए या प्रणाम करने के लिए, जी। तो वो आपका पूरा नहीं हो पाया। जी। इस प्रकार आपके इसमें दोष वगैरह निकलते हैं। चेतन शर्मा जी, आप आए शो में, बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छी तरह से विस्तार में समझाया। मैं कहती हूँ तंत्र विद्या से और तांत्रिक से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ रहा है तो आप प्लीज़ इनसे कांटेक्ट कीजिए और जाके अपना समाधान पाइए। कोई किसी से डरने की बात नहीं है। और चेतन शर्मा जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, अगर आपको इनकी सेवाओं की जरूरत है तो आप प्लीज़ इनको कॉल कीजिए और अपना समाधान पाइए। धन्यवाद। नमो नमः। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम मालूम हो। यथासंभव आप सभी की भगवान मनोकामना परिपूर्ण करते रहे। मैं आपको जीवन में सभी प्रकार के उद्देश्यों के निमित्त आपके कार्यों के साधन की प्रतिज्ञा करता हूँ, वो आपको प्रदान करता रहूंगा।